बारे में आपने शुभारंभ किया, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की फैसिलिटीज इस एरिया में कितना बड़ा लाभदायक रहेगा? मैं सबसे पहले FS एंटरप्राइजेस के सभी हमारे कमिटी मेंबर, मैनेजर, डायरेक्टर, चेयरमैन सभी को दिल से बधाई देता हूँ, गहराई से, और शुभकामनाएं देता हूँ। और वाकई में खुशी हुई कि हम बातें करते हमेशा कि हमारे इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पहल बहुत कम होती है। लेकिन ये जिस तरह से मैंने अभी इस गाड़ी को देखा, ओए जो पैसेंजर वैन भी है और पिकअप वैन भी है, अधिकतर लोग जो डिलीवरी करते हैं वो डीजल गाड़ियाँ होती है, CNG होती है, लेकिन ये बैटरी व्हीकल एक अपने आप में बहुत बड़ा फ़ायदेमंद होगा दोनों एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से भी और पैसे की बचत से भी। फ्यूल कंजप्शन हो, गैस कंजप्शन हो, देश में उसकी शॉर्टेज है, अगर बैटरी पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसेंजर व्हीकल और पिकअप वैन अगर चलेंगे तो पेट्रोल और गैस की बचत होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है पेट्रोल और गैस के दाम भी कम होंगे। लेकिन मैं इन दोनों गाड़ियों की बात करूँ तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसकी पहल हुई, शुरुआत हुई, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस डीलरशिप का उद्घाटन मेरे हाथों हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ ये रोड पे दौड़े, जो भी हमारे सेल्स वाले मार्केटिंग वाले हैं वो लोगों तक समझाएंगे, क्योंकि हमारे आज भी एक मानसिकता है कि हम विश्वास नहीं कर पाते कि बैटरी की गाड़ियाँ भी चल सकती है, क्योंकि हम पहले पेट्रोल के अंदर सोचते थे, फिर धीरे धीरे हम CNG के लिए हमारा माइंड सेटअप हुआ, अब धीरे धीरे लोग बैटरी के लिए भी हो रहे। तो मैं सभी से कहूँगा कि बैटरी के ऊपर जो व्हीकल चलती है वो आपको बहुत सारी कॉस्ट है। मैं शॉकिंग हुआ जब मुझे कहा कि 50 पैसा पर किलोमीटर खाली चार्ज जाएगा, जहाँ हम पेट्रोल की बात करते तो अगर 10 का भी एवरेज है तो 8-9 रुपये किलोमीटर चार्ज आता, तो उसका मोर देन 20% फ़ायदा हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे यूज़ करें, इस शहर में ज़्यादा से ज़्यादा ये गाड़ियाँ दौड़ेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।